सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आजकल एक प्रश्न सभी लोग पूछते रहते हैं कि मेरे बाल क्यों गिर रहे हैं। तो बाल एक अवस्था आने पर गिरते ही गिरते हैं, लोग गंजे भी हो जाते हैं, लेकिन असमय बाल गिरें, कम उम्र में बाल गिरें तो चिंता का विषय है। वैसे तो बालों की जो स्थिति है, 10-20 बाल प्रतिदिन गिरते हैं और प्रतिदिन नए उगते हैं, लेकिन 10-20 की जगह 50-60-100 बाल गिरें तो धीरे धीरे व्यक्ति गंजे की तरफ बढ़ने लगता है, उसे गंजापन आने लगता है। और बहुत सारे लोग उपाय करते हैं, जो उपाय करते हैं उनसे नहीं पूछते हैं कि मेरे बाल क्यों गिर रहे हैं। विज्ञापन की चपेट में वो भी आते हैं और कुछ भी प्रयोग करते रहते हैं, और जब मैं कोई सरल प्रयोग बताता हूँ तो मुझसे पूछने लगते हैं इसका कारण क्या है। तो ट्रिकोलॉजी के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, आज तक निश्चित रूप से ये नहीं बता पाए कि बालों के गिरने का कारण क्या है। इसके बहुत सारे कारण हैं, पेट की गर्मी से भी ये गिर सकते हैं, रात्रि जागरण और दिन में शयन जो करते हैं उनके भी बाल ज़्यादा गिरते हैं, दवाइयों का भी असर होता है जिसकी वजह से बाल गिरते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी किसी मरीज को जिनको कैंसर हो जाता है, कीमोथेरेपी के बाद में उनके बाल गिर जाते हैं। लेकिन बालों का गिरना, बालों का उगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो आज मैं बालों के बारे में ही चर्चा करूंगा। एक उत्तम प्रकार का तेल स्वयं जो घर पर आप बना सकें उसकी चर्चा करूंगा, और ये हेयर फॉल रोकने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसमें घटक द्रव्य भी बहुत कम हैं। तो एक निवेदन करूंगा कि अगर आप बाल चाहते हैं तो ये बाजार का बना हुआ शैम्पू बंद कर दें। अब अगला प्रश्न आता है कि अगर शैम्पू नहीं लगाएंगे तो बाल किससे धोएं। मैं कहता हूं, जब शैम्पू इंडिया में नहीं था तब किससे बाल धोते थे? जिससे पहले बाल धोते थे उसी से बाल धोना शुरू करें, आधी समस्या आपकी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो लोग कहते हैं पहले मुल्तानी मिट्टी से धोते थे, तो मैंने कहा अभी भी मुल्तानी मिट्टी मिलती है उससे बाल धोएं। कुछ लोग रीठा आंवला सीकाकाई का शैम्पू घर में बना लेते हैं, शैम्पू तो नहीं कहूँगा, घोल बना लेते थे पका करके बाल धोने के लिए, उससे आप बाल धोएं, या सीधे सीधे साबुन का घोल बना करके बाल धोएं। और अब ये अगर शैम्पू बंद करके इन सारे उपायों से आपने बाल धोना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। अब एक तेल की चर्चा कर लेता हूँ। काले तिलों का आप तेल ले लें, बड़ी आसानी से मिल जाता है। अगर शुद्धता की कोई समस्या है तो आप 2-5 किलो काले तिल लेकर के कोल्हू से उसका तेल निकलवा लें और उसको एक बर्तन में डालें। मान लीजिए कि 1 लीटर काले तिल का तेल है तो बर्तन जरा 2-2.5 लीटर का लें, उसमें डाल करके चूल्हे पर चढ़ा दें धीमी आंच पर। जब वो पूरी तरह से गर्म हो जाए, यानी पानी का अंश ना रहे, तो 1 लीटर तेल अगर है तो 10 ml नींबू का रस उसमें डाल दें। यानी पहले तेल को पूरा गर्म कर लें, फिर चूल्हे को बंद कर दें और फिर 10 ml नींबू का रस उसमें डाल दें। थोड़ी देर उसमें से चिड़चिड़ाहट की आवाज़ होगी, उसके बाद वो तेल पूरी तरह से शांत हो जाएगा। अब उसको चूल्हे पर से नीचे उतार लें, ठंडा करें। जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो उसको छान लें। घटक द्रव्य बहुत कम है, एक तो तिल का तेल है, काले तिल का, और दूसरा नींबू का रस, बाकी कुछ नहीं। खुशबू के लिए कुछ चाहें तो अलग से आप मिला सकते हैं, नहीं तो कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। शैम्पू बंद कर दें, किसी अन्य साधन से बाल धोएं और ये तेल लगाएं जो मैंने अभी बताया है। आपको हेयर फॉल में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, हेयर फॉल बंद हो जाएगा। बड़ा आसान है, घर पर आप बना सकते हैं, और मैं कहूँगा कि नित्य प्रति इसी तेल का सेवन करें, इसी तेल को बालों में लगाएं।
अब कुछ लोग हैं जो तेल नहीं लगाते हैं, हमारे बाल तो वैसे ही ऑयली हैं, तो ये समझिए अगर बाल आपके ऑयली हैं, तो सर में तेल जैसा निकलता रहता है, तो आप मुल्तानी मिट्टी से सर धोएं। ऑयल बैलेंस करने के लिए इससे बढ़िया दूसरी कोई औषधि इस धरती पर नहीं है, ये मेरा मानना है। कोई इससे असहमत भी हो सकता है, पर मैं सलाह दूंगा कि मुल्तानी मिट्टी से ही बाल धोएं और ये तेल लगाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि तेल आपको अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। कम से कम सप्ताह में 2 बार तो तेल लगाएं। लोग क्या करते हैं, रात में तेल लगाते हैं, सुबह शैम्पू से धो लेते हैं, उनके बालों में तेल दिखना नहीं चाहिए। अगर इतनी नफरत है तो बालों का क्या करने का। हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन आयुर्वेद आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आपको बाल चाहिए तो आपको आयुर्वेद के हिसाब से चलना पड़ेगा। तेल लगाने से हमारे बालों की जो नमी है वो एटमॉस्फेयर में जो जाती है उसको तेल रोकता है, प्रोटेक्ट करता है, बालों की चिकनाई को बरकरार रखता है, बाल हमारे मुलायम बने रहते हैं, असमय सफ़ेद नहीं होते हैं, बीच से टूटते नहीं हैं, दो मुँहे नहीं होते हैं, ये सारी समस्याओं का अंत तेल लगाने से हो जाएगा। हाँ, तेल आप ज़्यादा नहीं लगाते तो इतना तो कर सकते हैं कि कंघी में 4 बूंद 2 बूंद उसके दांते में, कंघी के जो दांत होते हैं उसमें तेल लगा लीजिए। अब ये कोई 1-2 लीटर तो हुआ नहीं कि आपको चिपचिपा लगेगा, बुरा लगेगा। इसी कंघी से आप कंघी कर लें तो सब बालों में एक बहुत बारीक सी लेयर बन जाएगी, आपके बाल हमेशा अच्छे रहेंगे। तो ये तेल बनाना आपको बता दिया, और बाल धोने के लिए कोई दूसरा उपाय शैम्पू को छोड़ करके, चाहे साबुन का घोल बना के, चाहे मुल्तानी मिट्टी से, चाहे रीठा औला सिकाकाई का घरेलू बना हुआ शैम्पू यूज करें। मैं इस कंपनी का करता हूँ, मैं उस कंपनी का करता हूँ, ये आपकी इच्छा है। मैं तो वही बताऊँगा जो आपके लिए हितकर होगा। तो आप बालों का शैम्पू बदल दें, जो मैंने बताया उस विधि से आप बाल धोएं, ये तेल बना करके बालों में लगाएं। बालों में अगर तेल बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते तो कंघी के दांते में लगा करके उससे कंघी करें, आपके सारे बालों में तेल पहुंच जाएगा। 4 ड्राप बहुत होता है पूरे बालों के लिए, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, केवल 4 ड्राप। तो इस ढंग से अपने बालों की सुरक्षा कर सकते हैं। ये जो प्रश्न आते हैं कि मेरे बाल क्यों गिर रहे हैं, जिधर देखो उधर से एक ही सवाल, मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, तो ये सवाल करना बंद करिए, उपाय करिए और खुश रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। आप मेरे इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर सकते हैं। एक निवेदन करूंगा कि अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी की बटन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, जिससे मेरे वीडियो आप तक तुरंत तुरंत पहुंचते रहें। इसी के साथ में जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।